फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि भुज मूवी को 13 अगस्त 2021 को 5:35 पर हॉटस्टार वीआईपी के द्वारा प्रीमियर कर दिया गया था, जिसे रिलीज होते ही लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ डाली थी। हालांकि इसको स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज किया गया था, तो इस मूवी की स्टोरी भी पूरी की पूरी देशभक्ति से जुड़ी हुई थी और ये मूवी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित होती नजर आ रही है। आज इस मूवी को हो चुके हैं लगभग 1 हफ्ते रिलीज होने को, और साथ ही साथ ये जान लेते हैं इस वीडियो में कि इसने अभी तक के 1 हफ्ते तक का कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है और इस हिसाब से क्या ये मूवी सुपर हिट या फिर फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के, तो देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं हम इस शानदार मूवी के धमाकेदार स्टार कास्ट के साथ। तो इस शानदार मूवी के धमाकेदार स्टार कास्ट में आप सभी को अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही और संजय दत्त देखने को मिले हैं। नोरा फतेही ने इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से डांस भी किया है और साथ ही साथ अपनी एक्टिंग का भी हुनर पेश किया है, और इस मूवी को सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा था। जैसा कि उन्होंने डांस किया था कोको कोला सॉन्ग में, जो कि काफ़ी खतरनाक सॉन्ग भी माना जा रहा था भुज मूवी का। वही अगर बात करें कि संजय दत्त का किसका किरदार निभाते नजर आए थे, तो संजय दत्त हाफ विलन और हाफ हीरो का किरदार निभाते नजर आए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्टिंग स्टार का पूरी की पूरी भूमिका निभाकर अजय देवगन को हेल्प किया इस मूवी को सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर बनाने में। आज इस मूवी को हो चुके हैं 1 हफ्ते, तो 1 हफ्ते का अभी तक का जो इसके OTT व्यूज हो चुके हैं वो हो चुके हैं 119 मिलियन के अक्रॉस में, जो कि काफ़ी अच्छी बात हुई है इस मूवी के नजरिए से। अगर बात करें इस हिसाब से इसका कितना रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो इस हिसाब से इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है वो हो चुका है 95 करोड़ के आसपास का, जो कि काफ़ी अच्छी बात रही है। इसने शेरशाह मूवी को भी बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दिया था। हालांकि शेरशाह मूवी अपनी जगह है और भुज मूवी अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर भुज मूवी हारती नजर आ रही थी शेरशाह मूवी के साथ, और शेरशाह मूवी भी काफ़ी दमदार मूवी मानी जा रही है। एक बार इसको आप जरूर विजिट करके देख लेना, क्योंकि ये मूवी की स्टोरी बहुत धमाकेदार भी मानी जा रही है। हालांकि भुज मूवी को भी बहुत लोगों ने इसको गिराने की कोशिश की और इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई थी, लेकिन भुज मूवी ने क्रिटिक्स और क्रिएटरों के मुँह पर दो तमाचा मारा है वैसा किसी ने नहीं मारा है, और ये मूवी सुपर हिट के साथ बस्टर साबित होती नजर आ रही है। और हमें उम्मीद है ये मूवी जल्दी ही 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करके ये 1000 करोड़ की लिस्ट में भी शामिल हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ये मूवी अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं, आप हमें कमेंट के बजाय जरूर देना। और साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लिए बॉक्स ऑफिस ब्रेकिंग को, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।